الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور فخر دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام خالق کائنات دے حضور دعا ہے رب ذوالجلال اج دی سالانہ حسین خوبصورت عالی وقار بزم قبول فرمائے جس محبت اخلاص نال اہالیان بھریڑی نے دا اہتمام کیتا انہا دوستاں انہا تمام محبین رسول کائنات علیہ الصلات والسلام دے او غلام یقیناً قابل احترام اور قابل رشک نے سال کا سال تو جس محبت نال ایسی پاکیزہ اور حسین بزم دے انعقاد وچ اپنیاں تمام تر توانائیاں اور قوتاں صرف کردے نے اور دور قریب تو جتنے بھی آباب اس عالی وقار نشست اندر حاضر ہوئے ہوندے رہے خالق کائنات سب نو قدم قدم تے اجر اور اپنی بارگاہ چو بے پناہ خیر و برکات نصیب فرمائے برادران اسلام اج دے اس پاکیزہ اور حسین دن دیاں گھڑیاں انسانیت لئی یقیناً ایک ایسی یادگار اور ایسیاں برکتاں اپنے دامن وچ رکھدیاں نے کہ جیدے تے تمام انسانیت قیامت تک فخر اور جتنا بھی رشک کرے ناز کرے او کم میں اس دن نال انسانیت نو عظمت اور
वकार मिलिया। इस दिन की बरकत नाल मावां दे कदमां तले जन्नत आई। इस दिन की बरकत नाल बाप दी जियारत नूं हज उमरा दे मसावी करार दिता गया। इस दिन की बरकत नाल पड़ोसियां नूं प्यार रिश्तियां नूं तकद्दस मयसर आया। इस दिन की बरकत नाल बहन मां बेटी जैसे पाकीजा रिश्ते नूं इज्जत मकाम और वकार मयसर आया। खुश नसीब ने वो लोग जिहड़े इस नेमत उज़्मा ते मिलन ते अपनियां मुहब्बतां दा खराज अपनियां चाहतां और अपनियां उल्फतां दा इजहार उस इंसान कामिल दे हजूर पेश करके अल्लाह दा शुक्र अदा करदे ने जिसने सानू उस इंसान कामिल दी गुलामी और महबूब रब दी जो निस्बत और रसूल कायनात अलैहि सलाम दी जो कुर्बत नसीब फरमाई। अल्लाह करे सड़ियां आन वाली नस्लां भी इससे रूट इससे फिक्र इससे नजरिए इससे अकीदे इससे डायरेक्शन ते गामजन रहन और मिलादुन नबी दियां पाकीजा और मुबारक और मुकद्दस साता और आलमगीर घड़ियां इन्हां तो हमेशा इस्तफादा करके अपने कल्ब ज़हन घर और नस्ल नूं एदे असमरात और एदी बरकात हमेशा समेटण दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम अजीजा ने गिरामी कदर रब्बे जुल जलाल दा बेपना करम है ओदा एहसान है ओदा कितना बड़ा करम है कि जिसने सानू उस नबी दी गुलामी दा एजाज बख्शिया जिस नबी दी आमद और जिस नबी दी कुर्बत और जिस नबी दी निस्बत और संगत लई जलील उल कदर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम दुआमा कर दे गए। लातादाद मुसलमान अनगिनत अकायद नजरियात रखने वाले लोगों चो ये जितना भी शुक्र अदा करिए खालिक दे हुजूर कम में कि कुरान साहिब कुरान दे हर एक कामिल फरमान वाला हसीन और आलमगीर अकीदा था फरमाया। आल सुन्नत व जमात दा ये नजरिया ये अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह साडा नबी कल भी जिंदा सी साडा नबी अज भी जिंदा है और साडा नबी जिंदा रहेगा। थोड़ा जहा हौली सुभान अल्लाह खो क्योंकि खासा दूर दराज तो आए हो थकावट भी तुहाडे आस पास मंडला रही है इस वास्ते सुभान अल्लाह इतना उच्चा ना आखो कि तुसा किसे परेशानी का शिकार हो खुदा ना खास्ता। वैसे मैं सुनिया पढ़िया यही है कि सुभान अल्लाह बंदा जितना भी उच्चा आखे बीमारी भी टल दी है मुश्किल भी हल होती है क्योंकि अल्लाह का पाक ना है अल्लाह ते रसूल खुश हो। ग्रामी कदर बुजुर्गो जिस मोहब्बत और उल्फत नाल तुसा तशरीफ फरमाओ अज असा मिलाद मुस्तफा दे तमाम विच मसरूफ हाँ ते ख्याल ये पैदा होंदा है लोगां दे तरफों उठाए हुए एतराजात और सवालात विचों एक भी बात मौजूद है कि इस दिन ते नबी फौत होए तुसा इस दिन खुशी कर दे हो। जिस दिन नबी दे विसाल होवे उस दिन खुशी करना ये ते शैतानी अमल है। नबी दे मरण ते खुश होना ये कोई इंसानी तरीका ते नहीं है। नबी जो फौत होए आयशा रो रही सन फातिमा रो रही सन अली रो रहे सन सहाबा रो रहे सन ते सुन्नी खुश हो रहे हो ये कोई चंगी गल ते नहीं है। ये वो सवाल है जेड़ा यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस स्कूल्स तालीमी इदारियां तो लैके चौकों ते बाजारों तक मुख्तलिफ शैतानी गिरोह और मुख्तलिफ इस हवाले नाल गलीज और कभी फिक्र रखन वाले लोग अमूमन ये सवाल दोहरांदे ने। असल विच वो बेचारे फिक्र अपना वैर और अपना वो बदला
लैण दी कोशिश कर दीए कि जिस हवाले नाल तुस आख्या सिवाय इबलीस के जहां में तब सभी तो खुशियां मना रहे हैं, ओ ए बदला लैण वास्ते ओ आंदे ने कि ए केड़ा तरीका खुश होना, तुसा ते खुश हो रहे हो, नबी दा विसाल होया। मेरे अजीज मेरे दोस्त, साडा कीदा कुरान हदीस वाला ये है कि कमली वाले जिंदा ने, अपने रोज़ा अतहर विच जिंदा और जावेद ने, अल्लाह दी दित्ती हुई ताकत कुव्वत नाल जदो चावन जिथे चावन हुजूर आ भी सकदे न, करम फरमा भी सकदे। इस तो हौली भी सुभान अल्लाह खुद तुहाडा हक बणदा। साडे नबी जिंदा ने, जिंदा सन और जिंदा रहनगे, अल्लाह दी दित्ती हुई ताकत अल्लाह दी अता करदा कुव्वत नाल साडा नबी जिंदा। बोलो साडा नबी, उची बोलो साडा नबी जिंदा। अल्लाह दा कुरान नबी ये कायनात अलैहिस्सलाम दी इज्जत और अजमत और रिफत बयान कर रहे है। इस वास्ते असा हुजूर रहमत कौनैन अलैहिस्सलाम दे मिलाद और आप दी याद और आप दी आमद दी खुशी करने आ। पहली बात ये वे कि अगर ये होवे कि नबी पैदा भी इसे दिन होए, लोगों का ख्याल है विसाल भी इसे दिन होया, तो एक कती तौर पर बात गलत है, तहकीक के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नबी कायनात अलैहिस्सलाम दा विसाल 12 रबीउल अव्वल नू होया ही नहीं। इस तो हौली बोल सकते हो, हुजूर दा विसाल 12 नू है ही नहीं, हुजूर दा विसाल 12 रबीउल अव्वल नू, हुजूर दा विसाल मुबारक है 2 रबीउल अव्वल नू, एक रिवायत 2 रबीउल अव्वल, एदे ते बहुत सारी तहकीक है 2 रबीउल अव्वल, फिर एक रिवायत है 7 रबीउल अव्वल, फिर एक रिवायत है 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल दी कोई तहकीक नहीं, क्योंकि सरकारे दो जाल अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज फरमाया दिन जुमा, उसे साल आपका विसाल मुबारक होया, तो जुमा का दिन 10 ज़िलहज, उसे साल ज़िलहज का महीना, फिर मुहर्रम, फिर सफर, तीनों 30 दे लाओ, तीनों 29 दे लाओ, 2 29 1 30 1 29 2 30 जिस तरह मर्जी तहकीक कर लो, उस साल विसाल पीर नू है, ते पीर 2 नू बन दिए, 7 नू बन दिए, 9 नू बन दिए, पीर 12 नू बन दी नहीं, हुजूर दा विसाल 12 नू है ही नहीं। नंबर 2, अगर कोई आके विसाल भी उस दिन, ते विलादत भी उस दिन, ते फिर अर्ज गुजार होवांगे, जमना पहले के मरना पहले, हौली हौली बोलो, जमना पहले के मरना पहले, तो जदो जमना पहले सानू पहले खुशी तक करन दो, क्योंकि ये तो बाद च डिस्कस करांगे भाई तुहाडे नजदीक की ने, ते साडे नजदीक की ने, साडे नजदीक ते जिंदा ने ना, साडे नजदीक, साडे नजदीक। अगली बात, किसी भी हवाले नाल सोग दे शरीयत ने 3 दिन मुकर्रर कीते, ज्यादा नहीं, ते खुशी दी लिमिट तुसी दस दो, जदों खुशी दी लिमिट नहीं सोग दे 3 ने, तुसा जे करना है ते कर लो, असा ते क्योंकि उस वाले नहीं आ, साडा नबी ते जिंदा हो जावे दे। फिर अगली बात, मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल्लकुम व ममाती खैरुल्लकुम, मेरी जिंदगी भी तुहाडे लई खैर है और मेरा पर्दा करना भी तुहाडे लई खैर दा दर्जा रखदा है। इस वास्ते साडा नबी जिंदा जावेद अपनी कबर अतहर रोजा मुबारक विच मौजूद और कायनात आलम इस जिंदगी तो मेरे करीम आका अलैहि सलातो सलाम दी ओ जिंदगी कितनी आला और कितनी अरफ है, ये अल्लाह जानदा है या अल्लाह दा प्यारा रसूल जानदा है। ते अल्लाह दा कुरान की फरमांदा है, फरमाया वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللہ دا قرآن فرما رہے آئے نبی جتنے بھی بھیجن اساں بھیجن اس لئی نہیں بھیجے انہاں نوں تولیا جاوے نبی اس لئی نہیں آئے انہاں نوں ناپیا جاوے نبی نوں اپنے علم نظریے فکر دے پیمانے تے تولیا جاوے نبی اپنے جیسے کہلان لئی نہیں آئے نبی علم دے فکر دے زاویے نال پرکھن تے جانچن تے تولن لئی نہیں آئے قرآن لال فرماندا ہے اساں تے بھیجے اس لئی نے الا لیطاع باذن اللہ اللہ دے حکم دے نال او دے امر دے نال او دے حکم دے اذن دے نال انہاں دی اطاعت تے فرما برداری کرو نبی دے پیچھے چلنا ایمان ہے نبی نو فالو کرنا ایمان ہے نبی دی گل مننا ایمان ہے نبی دی عزت تے عظمت تے رفعت تے شان تے عمل کرنا ایمان ہے نبی دی طاقت تے قوت نو سامنے رکھن دا نا ایمان ہے اللہ نے نبی تولن ناپن لئی نہیں بھیجے فرمایا سارے عزتاں تے عظمتاں تے رفعتاں دے پیکر بنا کے بھیجے کیونکہ شان او تولے جنوں کوئی اس دے بارے چ علم تے کوئی او دے بارے چ نالج ہوے تے جنوں اللہ خود شانہ دیون والا کتنی دتی ہے کتنی عظمت اے دیون والا جاندا ہے یا آون والا جاندا ہے قرآن نے مومن علی حکم فرمایا فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. فرمایا کائنات عالم دے لوگاں جدو اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو جدو اپنی جان تے ظلم کر بیٹھو پھر دائیں بائیں کھبے سجے جان دی لوڑ نہیں ہے فرمایا اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو پھر میرے نبی دی بارگاہ وچ جاؤ اگر میرا نبی معاف کر دے وے اور پھر سن لو مغفرت تے رحمت رب تو منگنی ہے سفارش نبی کل کرانی ہے اگر میرا نبی معاف کر دے وے تے میرا نبی تواڈی سفارش کر دے وے اللہ نو تواب تے رحیم پالو گے. امت اندر ایک قبیلے دا خیال اے وے کہ کائنات عالم وچ نبی زندہ ہی نہیں نے ایک طبقے دا خیال اے وے نبی زندہ او جاوید نہیں نے اس مکتب فکر دا نظریہ اے وے اگر نبی زندہ وی ہے تے قبر اندر زندہ نہیں ہے بلکہ بل احیا ان عند ربہم دا مفہوم اے وے کہ نبی اللہ کول زندہ ہے قبر دے اندر زندہ نہیں ہے لیکن قرآن اعلان کر آئے جدو بھی جانا تے ظلم کر بیٹھو نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ جدو نبی قبر وچ نہیں ہے جدو نبی روضہ اطہر اندر نہیں ہے تے پھر قرآن کیوں آکھ رہے آئے نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ. اس آیہ کریمہ دے تحت سید مودودی تو لے کے مفتی محمد شفیع دیوبندی تک مفتی محمد شفیع تو لے کے مولوی ادریس کاندھلوی تک ہر ایک نے لکھیا ہے اے آیت جویں پہلے صحابی تے مسلمان لئی حکم رکھ دیئے اویں آخری مومن لئی وی ایو درجہ رکھ دیئے جدو وی اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھو دائیں بائیں نہیں میرے رسول دے دربار وچ آ جاؤ میرے نبی کائنات دے پیارے غلام ہو پھر لوگاں دا خیال قبر وچ نہیں ہے نبی رب دے کولے اے دا جواب وی اللہ دا قرآن عطا پیا فرما دے تساں کیڑی جہت مقرر کرو گے کہ اللہ فلاں جگہ تے گئے فلاں تے نہیں ہے اللہ فلاں مقام تے گئے فلاں تے نہیں ہے یہ تے قرآن مجید دے وی اصول دے خلاف ہے لیکن آؤ ویکھ لینے آ میرا رب کدے نال ہے آمنہ دے لال دی عظمت رفعت قرآن بیان فرما رہے آئے فرمایا رب کائنات نے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ
اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا سورۃ توبہ دی 40ویں آیت وچ قرآن نے فرمایا ابو بکر نو نبی غار وچ فرما رہے نے ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے تے میرے نبی دے پیارے غلامو جیڑا اللہ غار وچ نبی دے نال ہے قسم رب دی او مزار وچ وی نبی دے نال ہے جیڑا اللہ غار وچ نبی دے نال ہے او مزار وچ وی نبی دے نال ہے اج وی نبی دے نال ہے کل وی نبی دے نال ہے ہمیشہ نبی دے نال ہے پھر آل سنت و جماعت اپنے اس حسین تے عالمگیر عقیدے دا اعلان کردیو یا بریلی دے تاجدار دا او حسین ترانہ کیوں اپنے لئی وظیفہ نہ بناویں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مل کے پڑھو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ صرف زندہ سلامت پڑھو باقی تکلیف نہ کرو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کوئی زبان چھپ نہ رہے سارے اپنی عقیدت دا اظہار کر کے اپنے عقیدے دا اعلان کرو تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا آل سنت دا عقیدہ ایوے میرا نبی آمنہ دلال رسولان دا امام زندہ ہو جاوے دے میرے نبی یہ کائنات علیہ السلام دے پیارے غلامو میرا نبی کل بھی زندہ سی آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک اللہ دی دیتی ہوئی طاقت قوت نال زندہ روے گا لوگان دا خیال ہوئے چلو آج تے زندہ آکھو لیکن ایتن آکھو زندہ سی ایتے جائز نہیں ہے آؤ اللہ دے قرآن تو پوچھ لینے یا کی فرما دے فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکالا اولا شہید فرمایا کیسا وقت ہوئے گا جدو ہر امت دے ایک گروہ نو لایا جائے گا گروہ دے اندر گواہ نو لایا جائے گا ہر گروہ وچ ایک گواہ آوے گا اے محبوب تینو سارے ہاتے بطورے گواہ لے آیا جائے گا امت پہلی ہے کیس پہلے نے گلہ پہلے دیا نے لیکن گواہی میرے نبی دیوتے ڈیپینڈ پہ آگوندہ ہے گل میرے نبی تے پہی مقدی ہے فائنل راؤنڈ نبی کائنات علیہ السلام دی گواہی تے ہو رہے ہیں فائنل ڈیسیژن میرے نبی تے گواہی تے گھونا ہے اور امت پہلی ہے
गवाह आखरी है, कौमां पहलियां ने गवाह आखरी है। ये किवें मुमकिन हो सकता है कि गवाह बाद होवे, वकूआ पहले होवे, केस पहले होवे, गवाह हजारा साल बाद चावे। मामला इब्राहिम दी उम्मत दा है, गवाही मेरे नबी दी है। केस यूसुफ दी कौम दा है, गवाही मेरे नबी दी है। केस दाऊद दी कौम दा है, गवाही मेरे नबी दी है। केस नूह दी कौम दा है, गवाही मेरे नबी दी है। मामला की है, गवाह लई ते सुनी कबूल नहीं होंदी, गवाह लई ते वेखना जरूरी है, मौके ते होना जरूरी है, मुशाहदा जरूरी है। लेकिन मेरे नबी दी गवाही ते मामला खत्म पिया होंदा है। या अल्लाह राज की है, फरमाया जदों भी कायनात जिथे भी वाकया हो जाए, मेरे नबी अपनी निगाहे पाक नाल वेख रहे ने। चलो मैं आला हजरत की गल करा, मुमकिन किसी भी परेशानी लागे खो जावे। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी आलम ने नशरुद्दीन विच लिखिया, आंदे जदों आदम मट्टी ते पानी दे मरहले तय कर रहे सन, मेरा मुहम्मद उदो भी नबी सी। मैं आखा जिंदा के मुर्दा, आंदे जिंदा नबी सी। मौलवी सिद्दीक भुपाली आले हदीस ने लिखिया है, आंदे जदों आदम मट्टी ते पानी विच मुंजदिल सन, मेरा मुहम्मद उदो भी नबी सी। मैं आखा जिंदा के मुर्दा, आखे जिंदा है। फिर मैं आखा बरेली दे बाबा ठीक ही आख रहे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, इतना बड़ा क्राउड ते मिलाद दा दिन ते पुर असरार खामोशी, ये मुनासिब नहीं है। सारे अपने लब खोल के नजराना आमिना दे लाल दे हुजूर पेश करके आखो तो जिंदा। या अल्लाह इन्हां नूं जबान दित्ती है, सदा दित्ती है, इन्हां दी मोहब्बत ते प्यार नूं आका दी बारगाह विच कबूल भी कर ले तो जिंदा। मिलके पढ़ लो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी दा जिक्र मोहब्बत ते प्यार नाल जिवें कर रहा है, इहनू कमली वाले दी दरबार दी हाजरी दी सआदत भी दे दे, तू जिंदा है वल्ला। इंज नहीं, सारे मिलके आखो तू जिंदा। जिनू जिनू जितना मेरे नबी नल प्यार है, और जितना उनू नबी नल मोहब्बत है, उतना उची आखे तू जिंदा। या अल्लाह इन्हां दियां बीमारियां नू शिफा विच बदल दे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। या अल्लाह हर एक मुसाफिर नबी दे जिक्र विच आवन वाले दी मुसीबत ते परेशानी ते दुख नू टाल के मां बाप दा साया दराज कर, अगर फौत हो चुके ते करवट करवट उन्हां नू जन्नत नसीब फरमा, तू जिंदा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे नबी ये कायनात दे प्यारे गुलामो, जदों असा आखिया नबी जिंदा है, फिर एक एतराज लोगां ने कीता, और एतराज भी बड़ा इल्मी अपने तौर ते उन्हां कीता। आंदे ने जे नबी जिंदा है, फिर एदा जवाब दो, कुरान दे इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, कुरान दे नबी तू भी मौत आनी है, तैनू भी मौत आनी है, और इन्हां नूं भी मौत आनी है। हुण मौत दा जिक्र ते कुरान ने कीता है, कुरान दा नबी ते मौत आनी है, तुसां दी मौत नहीं है, कुरान दी मनिए के तुहाडी मनिए। और फिर लोगां दे ने जदों कुरान दा नबी दी भी मौत है ते साडी भी मौत है, फिर इहदा मतलब है मौत बराबर है। लेकिन आ मेरे नबी दे प्यारे गुलामो, जदों उसूल दियां किताबां कोई पढ़दा है, ओह जाणदा है जदों नकरा डबल आंदा है
उदो पहला दूजे दा खैर हुंदा है, दूजा पहले दा खैर हुंदा है। इसे एक आयत दे विच डबल मौत आई है, इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन, ये दोवां मर्तबा मौत दा जिक्र आ रहा है। मौत नकरा है, पहला दूजे दा खैर है, दूजा पहले दा खैर है। और हुज्जतुल इस्लाम गजानी जमा सैयद अहमद सईद काजमी अलैहि रहमान ने कितनी हसीन बात फरमाई है, फरमाया अगर मौता बराबर हो दिया फिर अगू होता इन्ना कुम मैये तून, अगू कुम नहीं है अगू होम में। इदा मतलब है मौत जड़िया दो अलग अलग बयान हो याने। रब ए फरमाना चाह रहे लोगो तुआडी भी मौत है, मेरे नबी दी भी मौत है, लेकिन मुल्ला दी मौत हो रे, रसूलुल्ला दी मौत हो रे, आमिना दे लाल दी मौत हो रे, मुल्ला दी मौत हो रे, काफिर दी मौत हो रे, नबी दी मौत हो रे, इंसान आम दी मौत हो रे, नबी दा विशाल हो रे, क्योंकि अलग अलग कुरान ने बयान फरमाया। फिर गजाली जमा बड़ी हसीन बात कर दे फरमा देने, कदे गौर कीता जे मौतां विच फर्क कितना है। एक कायनात आलम अंदर हर एक दी मौत दा जड़ा वक्त मुकर्रर है। कुरान आंदा है इदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, मौत दा टाइम अगे पिछे नहीं होंदा, जड़ा वक्त मुकर्रर है उसे लम्हे ते टाइम विच मौत आंदी है। लेकिन आज़र आमिना दे लाल दी बारगाह विच ते गौर कर, जदों मेरे नबी दे दरबार विच हज़रत इज़राइल आए ने, आमिना दे लाल दी बारगाह विच आए ने, और जदों आके दरवाजा खड़कांदे ने, अंदरू मखदूमा पुपाक पुछदियां ने कौन है, आवण वाला आंदा मैं इज़राइल हां, ए नहीं आख्या मैं मलकुल मौत हां, ए नहीं आख्या मैं फरिश्ता, आवण वाला आंदा मैं पेंडू हां। फरमाया किवें आए, आखे आका दी तबीयत मुबारक दा पता लवाण आया। फरमाया आराम फरमा ने, इज़राइल वापस तुर गया, दूजे दिन फिर आया वापस तुर गया, तरीजे दिन आया दरवाजा खड़काया, मेरे नबी ये कायनात दी प्यारी बेटी मखदूमा पाक फरमांदियां ने कौन है, आंदा है कल ते परसों वाला पेंडू आया किवें, मेरे आका दा की हाल है। जदो ये गल कीती है ते मेरे नबी ये कायनात ने फरमाया बेटी कौन है, आंदियां बाबा जी कल परसों तू एक दिहाती बंदा आंदा है, तुहाडा पुछ के टुर जांदा है। मेरे नबी फरमाया फातिमा ये पेंडू नहीं है, अरबी नहीं है, ये दिहाती नहीं है, इज़राइल है, ये ओ वे जेड़ा मावां तू पियोवां तू बच्चे जुदा कर लैंदा है, जेड़ा यारां तू यार जुदा कर लैंदा है, जेड़ा दोस्तां तू दोस्त जुदा कर लैंदा है, जेड़ा बीबियां तू भाई जुदा कर लैंदा है, जेड़ा भैणां तू वीर ते बीबियां तू शौहर जुदा करदा है। तेरे नबी ए कायनात ने फरमाया आमण दे जबरील इज़राइल आ जा, फरमाया इनू तेरे बाबे दी इज्जत दा और तेरी इस्मत दा ख्याल न होंदा, एक कदे पुछदा नहीं है। लेकिन बरेड़ी दे मरकज च आके बारह रबीउल अव्वल दी पाकीज़ा साथां विच बैठण वाले हो, चौधरी नू नहीं पुछदा गर्दन मरड़े देंदे, ए जनाब पीर फकीर दरवेश नू नहीं पुछदा, ए वड्डे आलम ते मुफ्ती ते काजी नू नहीं पुछदा। वो इज़राइल है जिदा टाइम मुकर्रर होवे ओनू लै जांदा है, लेकिन मेरे नबी दे बूए ते तीन दिन तू खड़ा हाजरी देंदा है। मैं वक्त दे काजियां ते उलमा तू इतना पूछना चाहना, अगर मेरे नबी दे विशाल दा दिन पहले वे ते खाली क्यों मुड़े है, अगर दूजा दिन ने ते खाली क्यों मुड़े है, अगर तरीजा दिन ने ते पहले दो दिन की लैण आ रहा है। मैनू कसम है रब्बे काबा दी, तेरी मौत हो रे, मुल्ला दी हो रे, आमिना दे लाल दी हो रे, कयामत तक जबर इज़राइल आंदा रहना, मेरा नबी इजाजत न देना, अंदर नहीं सी जा सकदा। इज़राइल जानदा है कि मैं कायनात आलम च उस नबी दा खादिम ते नौकर हां जेड़ा मौत दा भी रसूल है, हयात दा भी रसूल है। ये तीन दिन तू मुसलसल आ रहे है दरवाजा खड़का के। अच्छा एक होर दसो पेंडू क्यों आंदा है, ये नहीं आंदा मैं इज़राइल हां, पेंडू क्यों आखदा है, क्योंकि जदो दरवाजा खड़का लिया ओनू पता है कि इत्थे ते उच्ची साह ही नहीं लेना,
हौली बोल ओनू पता है इथे ते उच्चे साई नहीं लेना हुण दरवाजा ते खड़का बैठा हुण इयो आखा मैं ते उसूलां ते कानूनां तो वाकिफ नहीं आ मैं ते पेंडू आ क्योंकि ओनू पता है इथे ते उच्चे साह भी नहीं लैणा मेरे पाक नबी दे प्यारे गुलाम हो सियाल दे दरवेश ने केड़ी सोहनी हसीन गल कीती है आप फरमांदे ने बाबे जिबरील के पहलो में जरा धीरे से बाबे जिबरील के पहलू में जरा धीरे से फखर कहते हुए जिबरील को यूं पाया गया अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना ऊंची आवाज हुई उम्र भर का शर्माया गया इत उची बोलता ही नहीं है मेरे नबी ये कायनात दे प्यारे गुलाम हो फिर की होया है मौजमुल कबीर इमाम तबरानी फरमा देने फिर जदो इजराइल आए ने मेरे नबी फरमाया आ जा जदो आ गए ने फरमाया किवें आए ए नहीं आंदा मैं मौत दे लई आया ए नहीं आंदा मैं तुहाडी नू कबल करन आया आंदा मैं सलाम लई हाजिर होया मेरे नबी फरमांदे ने मेरा मुशीर किथे ही अर्ज कीती आका ओ ला मकाना दिया बुलंदियां ते ओ आसमाना दे रास्ते सजा रहे जिथो तुहाडी रूह ने जाना गुजरना है मेरे नबी ने आवाज दिती है इजरत जबराइल आ गए ने नबी ने फरमाया तू दस इजराइल किवें आ रहे आंदा है जबराइल कमली वाले आ रब ने तुहानू ए पावर दिती है चाहो ते इजराइल दी गल सुन लो चाहो ते इंजी टोर दियो चाहो ते सुन लो चाहो ते टोर दियो तेरे मेरे कोलू इख्तियार नहीं है ओए अल्लाह ने नबी नू बा इख्तियार बनाया है इसे गल नू बुखारी ने बयान कीता अबू बकर सिद्दीक नबी ए कायनात दे कोल ने सहाबा बैठे ने नबी ने फरमाया सहाबा अल्लाह ने अपने एक बंदे नू इख्तियार दिता है चावे ते रह जावे चावे ते ओदी कुर्बत पावे मेरे नबी ए कायनात ने फरमाया उस बंदे ने रब दी कुर्बत नू मजीद कुर्बत नू पसंद फरमाया और दुनिया तो उन्हें जनाब जावन का प्रोग्राम बनाया सारे सहाबा वेख रहे ने अबू बकर पाक दिया अखां चो अथरू आ गए लोग आख्या रोंदा क्यों है आंदे तुहानू पता नहीं है ओ जेड़ा अल्लाह दा मुख्तार बंदा है ओ कोई होर नहीं ओ मेरा यार है ओ रब्बे कायनात दा महबूब साडा नबी है असा बे इख्तियार मुस्तफा बा इख्तियार है असा मजबूर कमली वाला महबूब है मेरे नबी दे प्यारे गुलामो फिर कायनात इंसानी दा उसूल है जदो मौत आंदी है घर चावे ते कब्रिस्तान पूरे आ जांदा है मसीते आवे ते कब्रिस्तान दफन करो मस्जिद नबवी मक्का हरम च कोई मरदा है ओनू कब्रिस्तान दफन कीता जांदा है लेकिन तेरी मेरी मौत हो रे नबी दा विशाल हो रे असा मरिए कब्रिस्तान दफन होने आ नबी दा जिथे विशाल मुबारक होंदा है ओही जगह मदफन बनदी है मुल्ला मर जावे जल्दी पूरो नबी दा विशाल होया तीन दिन गुजर गए गर्मियां दा मौसम है फरमाया टोलियां बन बन आंदे जाना दरूद पढ़दे जाना और फिर चलदे जाना मुल्ला दी मौत हो रे नबी दा विशाल हो रे फरमाया मुल्ला मर जावे अगर पोस किए फाड़ के ओनू जनाब कफन देवो लट्ठाए पाड़ के कफन देवो रेशा में उतार के लफन कफन देवो लेकिन नबी जिना कपड़े च विशाल फरमांदा है उन्ना विच ही मदफन जनाबे वाला दफन होंदा है नबी दी मौत हो रे मुल्ला दी मौत
खोरे मुल्ला मर जावे तरका वंड देवो मुल्ला मर जावे तरका तकसीम होता है नबी दा विशाल होवे तरका तकसीम नहीं है क्योंकि ओदी मौत हो रे मुल्ला दी खोरे मुल्ला मर जावे बीवी जिदे नाल मर्जी अकद कर सकती है नबी दा विशाल होवे बीवियां निकाह नहीं कर सकदियां क्योंकि एदी मौत हो रे नबी दा विशाल खोरे मेरे पाक नबी दे प्यारे गुलामो फिर मौलवी कासिम ननू तू भी तू पूछ लिया तू दस मौत कैसी है आंदे ने मौत मेरे नबी दी ते ऐसी है जदो आमिना बिलाल दी बारगाह वे इजराइल आए ने फरमाया रूह लेके हुजूर ने फरमाया ले ले जदो लई है अर्ज कीती मौला ए रखा किथे हर शय चंगी रो चंगी थां ते रखना माड़ी भेड़ी थां ते रखना फरमाया चंगी थां केड़ी है जन्नत चंगी है ओते बालां नू वंडदा है जन्नत चंगी है ओते गुलामां नू वंडदा है या अल्लाह रूह रखा किथे कासिम ननू तू वी देवबंदी आलम लिखदे रे आंदे ने हुक्म होया जिथू कड्डी आई ओथे रख दे जिथू कड्डी आई ओथे रख दे हौली बोलो जिथू कड्डी आई ओथे रख दे ओ जिथू कड्डी आई ओथे रख दे ओ फरेड़ी वाले ओ फिर खुश हो के बरेली दे बाबे दी रूह नू इंज मोहब्बत दे नाल खराजे तहसीन पेश करो आमिना दे लाल दे गुलाम ने कैसे हसीन अंदाज चाखिया तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा मिल के पढ़ो तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम। अच्छा फिर ख्याल आंदे ने सजनो ए ते दसो ओ नबी दा विशाल होया फातिमा रोईया अली रोए आयशा रोईया असा क्या पहले ते एक कन फर्म कर लो जदो कोई रोवे उदो इयो अंदाजा करिए कोई मर गया जदो कोई रोवे असा इयो सोचिए कोई मर गया आखे बिल्कुल असा क्या असा एयरपोर्ट ते देखिया बिरा विछड़िया भैन तू पढ़न ले जा रहे अमरीका बरतानिया यूरोपियन ममालिक विछड़िया ते भैन रोई मुल्ला ओनू बढ़ के दलासा दे ओनू आख पुत्र रो ना तेरा बिरा मर गए वेखी मौला तेरा हशर की होंदे ओ आखेगी मुल्ला अगर शकल गंदी होवे बंदा गल त चंगी करे भेड़े मुंह च गल त ठीक कर मुजिया मेरा बिरा मरिया नहीं है ओ तो इंजीनियर मेडिकल डॉक्टर बनन लई गया है ते ओ मुल्ला के पुत्र फिर रोंदी क्यों है मैं तो सुनिया बंदा उदो रोंदा है जदो कोई मरे ओ आखेगी मुल्ला तेरे वडके मरन मेरा बिरा मरिया नहीं बिछड़ गई है हौली बोल ओ मड़िया नहीं है निखड़ी आए मेरे तू विछड़े आए मैं अपनिया अखां नाल कई मर्तबाए मनाजर वेखे ने जेड़ी मां दा बेटा मेडिकल इंट्री टेस्ट क्लियर करदा है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी विच एडमिशन मेडिकल यूनिवर्सिटी विच दाखला लैंदा है ओ खुशी दे मारे मां सोंदी नहीं है सारी सारी रात पुत्तर दियां जनाबे वाला वर्दियां ते कपड़े इस्त्री करदी है बैग तैयार करदी है बेटा आलम बनन लई जावे मां खुशे इंजीनियर डॉक्टर बनन ले जावे खुशे या जनाबे वाला ओ जनाब रिस्क हलाल दी तलाश च बैरूने मुल्क जावे खुश होंदी है लेकिन मैं कई बापर दा मां बाप नू वेख्या है इफ्फत मां बाप भैणा नू जदो मां पुत्र नू पैक दे के कपड़े दे के जदो पुत्र गली विचू इंज गुजरदा है ते सारी रात खुशियां करन वाली मां दियां अखां चू अथरू आंदे ने मैं आखां अम्मा मरिया ते नहीं है
आंदी है पुत्रा मरिया ते नहीं है पर जिगर दा टुकड़ा वखरा ते गोरे आए बिछड़ ते रे आए एदा मतलब है सिर्फ मरण ते ही नहीं रोंदे विछड़न ते भी रोंदे ने जुदा होवन ते भी रोंदे ने मेरे नबी ए कायनात अलैह सलाम जदों आयत ना जे लोई व इमिनकुम इल्ला वारिदुका कानाला रब्बिक हतम मकदिया आंदे ने नबी गारे च गए ने कई दिन गुजर गए सहाबा टकरा मार दे फिर दे ने एक दूजे नु पुछ दे फिर दे ने नबी नजर नहीं आ रहे कोई बकरिया दे छेड़ नु पुछ दे नबी ते नहीं वेखे कोई ऊंट चरावन वाले नु पुछ दे सड़े हाका ते नहीं वेखे कोई लागीर नु पुछ दे नहीं वेखे वजह की है एक लम्हा नबी तू नजर हट दी है सहाबा दी कैफियत गैर हो जाती है बल्कि सहाबा ते सहाबा मिस्र दे बुजुर्ग अबुल अब्बास मरसी फरमा दे ने पैदा करन वाले अल्लाह दी इज्जत दी कसम है मेरी अख एक लम्हा लई अज भी नबी तू हट जावे मैं खुद नु मुसलमान नहीं समझदा ਜਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮਰਨ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇੰਜ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਖੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾਗੇਲਾ ਆਪ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨੇ ਆ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਲਾਇਕਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਰ ਰੱਬੋ ਕਮਾ ਦੀਨੋ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਹ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਲੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਆਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਹ ਜੂ ਲਈਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਜੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲਾ ਮੇਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਆਲਮ ਸੇ ਛੁਪ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚਮਕ ਤੁਝ ਸੇ ਪਾਤੇ ਹੈ ਸਭ ਪਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਚਮਕਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੁਣ ਲਓ ਨਬੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਣੋ ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਫਿਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੱਸ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੱਸ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਮਲਿਆ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਫਹੂਮ ਗੌਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਫਖਰੁਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਦੀਮ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਜਦੀਦ ਦੀ 21ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਮਾਮ ਫਖਰੁਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਅਲੈਹਿ ਰਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਈਅਤ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਯਾਰ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਣਾ ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ
मैं आला हजरत दी किताब दी गल नहीं कीती किसे नू डेंगी ना लड़े, कमरुद्दीन सियालवी साहब दी बात नहीं कीती किसे नू कैंसर ना होवे, गजाली जमा दी किताब दा हवाला नहीं दिता किसे दा ब्लड प्रेशर लो ना होवे। इमाम फखरुद्दीन राजी कौन है? मौलवी इब्राहिम मीर सियाल कोटी आले हदीस आले मादे। मैनू कुरान समझ आया ते मेरे उस्ताद आखिया ओ इक्को बंदा फखरुद्दीन राजी है जिदे कोल सुन सकदे हो। ए बात बयान कीती सनाउल्ला अमरसरी आले हदीस ने, आंदा कायनात जितना बड़ा मुफस्सिर फखरुद्दीन राजी है इस पाए दा कोई नहीं है। अनवर काश्मीरी देवबंदी अशरफ थानवी साहब ने लिखिया है, आंदे ने अगर कुरान समझना चाहती हो तफसीर कबीर तो बेहतर होर कोई खूबसूरत आली वकार तहरीर और तफसीर नहीं है। ओ जड़ा इतना बड़ा मुफस्सिर है ओ राजी पिया आखदा है अबू बकर दा अकीदा वेखो, आंदे ने मेरी मैयत चुक के लै जाना मेरे यार दे बूए ते रख देना ते आखना गार वाला आ गया है। इमाम राजी आंदे ने जदो लेके गए ने उदो फिर होया की है, और भरेड़ी वाले ओ सुन लो ये जनाजा अबू बकर दा चावन वाले लोग भरेड़ी दे बरेलवी नन, ये सवाग दे मुरीद नन, ये पीर पारू दे दरवेश नन, ये पीर जग्गी दे मन्नन वाले नन, ये सियाल वाले गोलड़े वाले दे मुरीद नन। ओ जड़े अबू बकर दी मैयत चाक गए ओ नबी दे मुरीद ने, मुस्तफा दे शागिर्द ने, अकीदे दे इमाम ने, को सब तो ज्यादा कुरान समझण वाले ने, नबी दी सोबत च बैठण वाले ने, हुजूर दे सहाबा जनाजा चुक के गए ने, आंदे ने हौले जी आया खिया गार वाला आ गया है, अंदरों दरवाजा भी खुल गया आवाज आई है अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब नु हबीब लल मिला देवो। रेड़ी वाले फिर ते मेरा हक बनता है, मैं ये बात जरूर आखा तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, सारे बोलो तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा। अच्छा फिर लोग आंदे ने चलो ठीक है ये दसो हुजूर दी उम्र कितनी आई, असा 63 साल, आंदे फस गए हो, फस गए हो मौलाना किवें 63 साल क्यों आंदे हो, 1400 साल आखो मैं 63 साल, असा 63 साल क्यों आंदे हो, लख साल आखो मैं 63 साल, तो सके दा मतलब है 63 साल तू पहले न बाद च इयो नबी दी उम्र। मैं कह यस, आंदे इंज फसाई दे मैं एवें नहीं आया, ढेर सारे रियाल लेके आया, हौली बोल, आंदा फसाई दे जदों 63 साल उम्र है ते हुण दसां 63 तो बाद फौत हो गया। मैं आखा 63 साल उम्र लख साल, मैं आखा नहीं 63 हजार साल, मैं आखा नहीं 63 आके फिर मन के इस वेले जिंदा नहीं। मैं आखा मुल्ला जी ये दसो तुहाडी उम्र कितनी है, आंदा 41 साल ते इन्ने महीने। मैं आखा कूड़े, आंदा अल्लाह दी कसम है मैं आखा कूड़े, आंदा मेरी अम्मा अब्बा इयो आंदे। मैं आखा ये कूड़े, आंदा मन ले शनाख्ती कार्ड वेख इतने साल इतने महीने। मैं आखा मूजिया कूड़े, आंदा मन ले मैं आख्या कितनी है, आंदा 41 साल 42 साल ते इतने महीने। मैं आख्या मुल्ला जी ए पूरी है, आख्या अल्लाह दी कसम है पूरी है। मैं आख्या वड के मरनी ओ उम्र क्यों नहीं लिखी, ओ जेड़े 5 महीने मां दे पेट च मां नू जलील करदा रहे, ए दसा अम्मा दे पेट च मुर्दा सहन के जिंदा, आंदा जिंदा। मैं आख्या कमीने आ फिर लिखी क्यों नहीं, आंदा उम्र है लेकिन लिखी नहीं जांदी, कि ओ पिछला जगान है। मैं कबड़ के मरनी इजो तो मैं पियाखना, उमर गए पर लिखी नहीं जांदी, उमर गए पर लिखी नहीं जांदी, लिखी वो जांदी है जड़ी सामने आंदी है। ताई ते मेरा बाबा पिया आंदा है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आंदा ए दसो कमले
ओए कमले हो ओए कबर च जिंदा कीवे ओए बंदे खिड़की भी नहीं है नबी जिंदा कीवे दरवाजा भी नहीं है नबी जिंदा कीवे रोशनदानी नहीं है जिंदा कीवे मैं आख्या जागेला अगर अकल कोई नहीं ते मेरा कसूर तो नहीं है ओए मूजिया अंडे च चूजा आखे जिंदा अंडे च चूजा जिंदा मैं का खिड़की नहीं है मैं का दरवाजा नहीं है मगर चूजा जिंदा है मैं का चूजा जिंदा ना खिड़की ना दरवाजा जेड़ा रब मंडे विच चूजे नूं जिंदा रख सकदा है ओ मेरे नबी नूं जिंदा क्यों नहीं रख सकदा तो जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते अजीजाने गिरामी कदर है दिलचस्प कौम लेकिन कोई बात नहीं परेशान होवन दी लोड़ नहीं असानिया तैनू जितनिया बीमारियां ने सदका अहमद रजा दे जोड़िया दा साडे कोल उतनिया दवाइया ने हौली बोल जितनिया किसे बीमार दिया बीमारियां ने उतनिया साडे कोल दवाइयां ने लेकिन शरीफ लोग राजां दे बंदे नूं टीका नहीं लांदे सुत्ते होए नूं टीका नहीं लांदे इंज नहीं असां जिहड़ा आवे ओनूं उसे दे मकदार दी दवाई देने आ तां ही ते पाकिस्तान दे तहकीकाती इदारियां तों आलमी इदारियां तक आंदे ने जिवें दुनिया च इस्लाम अमन वाले इवें इस्लाम च सुन्नी अमन वाले ने असां उस बीमारी दी तशखीस करने आ फिर दवाई तजवीज करने आ हौली बोलो और हौली बोलो मैं क्या आ मोमना दी अम्मा ऐशा सिद्दीका दा कीदा सुन ले आंदे ने जदों कोई बंदा अपने घर च दीवार ते दरवाजे ते घर दी दीवार नाल किल ठोक दे उस वेले मोमना दी अम्मा सिद्दीका फरमा दिया ने साहबा नूं पता करो कौन है इनू आखो मेरे आका नूं सुन दे डिस्टर्ब ना कर मोमना दी अम्मा दा अकीदा भी इयो है अली दा भी इयो है बल्कि मोमना दी अम्मा फरमा दिया ने जदो मैं मेरे हुजरे च नबी ए कायनात जलवा गर होए मकीन होए सन फरमा दिया ने मैं बगैर इजाफी कपड़िया तू मैं उस मामूल दे लिबास नाल आंदी रही हाँ फिर मेरा अब्बा आ गए मैं उस लिबास दे नाल आंदी रही हाँ लेकिन जदो हजरत उमर आए मैं परदा करके आई हाँ जी ओए मोमना दी अम्मा दी सिर्फ नबी नहीं अबू बकर भी जिंदा है उमर भी जिंदा है तो जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम अच्छा फिर वेखने आ ए ते जनाबे अम्मा आयशा पाक दा अकीदा है अगे वेखने नबी दे सहाबा तो बाद ताबेईन दा की अकीदा है ताबेईन विचों से जनाबे सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाहु ताला अन्हो ए अजीम ताबी ने ए ओ बड़ी अजमत शान वाले ने आप फरमांदे ने जदो दुनिया अंदर खन्नास बेगैरत तरीन शख्स यजीद दी हकूमत आई है उन्हें सहाबा नु चुन चुन के मारे आ मस्जिद नबी विच घोड़े बनने उन्होंने गंदगी की कई दिन तक अजाना ते नमाजा मस्जिद च बंद रही आप फरमा देने इस यजीद दे कमीना फौजी मेरे पीछे लगिया इस तो पहला कि मैनू हमला करके मेरी जनाब गर्दन उड़ा देंदा आंदे मैं दीवाना बन के जमीन ते लेट गया यजीद दी कमांडर ने उन्हों फौजी नु कहा इनू छोड़ दे कोई झल्ला दीवाना है आंदे ने मैनू दीवाना समझ के छोड़िया मैं घर नहीं गया मैं सीधा नबी दी बारगाह विच आया रोज़े रसूल नाल लिपट गया हजरत सईद फरमान दे अल्लाह दी इज्जत दी कसम है मस्जिद च घोड़े बनने सन अजाना नमाजा बंद सन मैं हुजूर दे रोजे नाल लिपटे आ रहा उठे रहा आंदे तीन दिन मैं मौजूद रहा अजान दी आवाज भी कबर शरीफ दे विच्चू आंदी सी जमात दी आवाज भी रोजे पाक दे विच्चू आंदी सी साहब
ताबी भी आंदा जिंदा, ताबी भी आंदा जिंदा, ते सुन्नी भी आंदे ने तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम, अच्छा ए ताबी है। आओ जरा अगे चलने, हजारा साल बाद उम्मत दा कीदा ते नजरिया की सी, बयान कर देने मौलाना जकरिया सहारनपुरी। किताब दा नाम फजाइल हज, सफा नंबर 171। जनाबे वाला तबलीगी जमात दे बानी मौलाना इलियास मेवाती दा सगा भतीजा, ते तबलीगी जमात दे सब तू बड़े मुहद्दिस ने नामी गिरामी आलम दीन ने देवबंद मकतब फिक्र दे मौलाना जकरिया साहब इस किताब दे अंदर लिख देने फजाइल हज दे 171वें सफे ते आंदे ने 557 हिजरी दा जमाना सी, हुजूर रहमत कौनैन दे मजारे पर अनवार ते लोग मौजूद सन। दुनिया ने वेख्या एक सोनिया जुल्फा वाला, हसीन कद्दो कामत हुस्नो जमाल वाला नौजवान, जिदा नां सी सैयद अहमद कबीर अर्रफाई। ए आया ए रबी ए कायनात दे रोजे ते खड़ा हो के आख दे, नाना जी पहले रूह आंदी सी हुण मैं आया, नाना जी जरा हाथ बार कड के मैनू सलाम दा जवाब भी देवो, नाले हाथ भी बार कड्डो, मैं हाथ चुमना भी है। मौलाना जकरिया देवबंदी आलिम लिख देने, उन्हें आखिया नाना जी हाथ कड्डो मैं चुमना है, मैं आखिया मौली साहब एक ही पे लिख दियो, उन्हें ए क्यों नहीं किसे आखिया हाथ चुमना जायज नहीं है। आंदा ए जानवर उदो पैदा ही कोई नहीं सी ओड़ा। 571 जनाबे वाला 557 हिजरी विच आंदे ने इतनी गल कीती है, हाथ कड्डो मैं चुमना है, आंदे ने गल मुक्की नहीं। आमना दे लाल ने रोज़ अतहर विचो हाथ बार कड़ दिता, हजरत अहमद कबीर ने अग्गा वध के चुमया। लेकिन भरेड़ी वाले ओ अगली गल भी सुनना, मैं आख्या मौलाना ए दस, जदो नबी ने हाथ रोजे तू बार कड़िया बंदे कितने सन, कल्ला अहमद कबीर सी या कोई होर भी सी। बड़ी सोहनी गल लिखी है मौलाना जकरिया ने अजनाबे अल्लामा सयूती दे हवाले नाल, आंदा जदो नबी ने हाथ कड़िया अहमद कबीर ने रोजे तू बार कड़े हाथ नु चुमया, एक कल्ला निसी 90,000 बंदे ने वेखे आए। आंदा ओ बाबा भी सी जिनू बरेलवी गौस पाक आखदे ने, अहमद कबीर हाथ चुम रे आए, ते 90,000 बंदा इयो आख रे आने, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते। अच्छा ए दसो ए भी ठीक है, चलो जिंदा भी होए ठीक है, लेकिन हिंत कबर दे विच जागदे हो? ठीक है जिंदा भी ने लेकिन है कबर दे विच। ते ए दसो साडा जो बाबा दादा भरेड़ी दे कब्रिस्तान विच सुत्ते पए ने, उहनां नूं की पता सा की कर रहे हां? हौली बोल। असा भावें कबर ते खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता गुल्ली डंडा खेडीए, बाबा ते नहीं आख सकदा पछाटो। असा भावे उत्ते खुदा ना खास कईयां दरबारां ते तुसां वेख्या कई बेहया जागल पीर थेठर लवांदे ने मूजी, सुन्नियत नूं बदनाम करन वाले बदमाश जागल पीर कब्रिस्तान च खुसरे नचा के ते दरबार दी तौहीन, इस्लाम दी तौहीन कर दे।
ऐसे बदमाश पीर दा ताल्लुक जेड़ा कब्रिस्ताना ते दरबारा ते थिएटर ते लक्की रानी सर्कस ते तमाशा लगावे उस बेगैरत पीर दा ना सुनिया नाल ताल्लुक है ना इस्लाम नाल ताल्लुक है। जिन्हां दे इयो जे पीर ने उन्हां लई ते है के मर जाओ बाकी ते बोलो जिदा इयो जिया बेगैरत पीर है बयत तोड़ना उस बेगैरत दी बयत टुट गई है जिन्हों ना शरीयत दा पास है जेड़ा कब्रिस्ताना ते दरबारा ते खुसरे नचावे ओ कमीने जेड़ा कंजरिया नचावे ओ बेगैरत है जेड़ा दरबारा दे तौहीन करे कब्रिस्तान दे उत्ते जिथे कुरान हदीस पढ़िया जावे उस जगह दे उत्ते जेड़ा थिएटर ते तमाशे लवावे ओ बेहया पीर नहीं है ओ कमीना है पीर ते होवे जिदी ख्वाहिश होवे टिब्बा होवे या सहरा होवे पहाड़ होवे या पस्ती होवे हर जगह दे उते झंडा इक्को मेरे मुहम्मद दे दीन दा नजर आना चाहिदा है। इसे लई ते मैं ना खाजा फकीर मुहम्मद शला कबर वसदी रही चोलिस्तान दी धरती नो इस रेत दे जर्रे जर्रे नो आमना दे लाल दे जिक्र नाल जोड़े इंशाला नस्लां वसनी। नाराज ते नहीं जे हो गए हो भी जाओ ते टेंशन नहीं हौली बोल जिदा एगो जिया पीर है थिएटर लवावे ते लक्की रानी ते खुसरे नचावे इयो जिया पीर जदो तेरे घर आवे तेरी ईमानी गैरत दा तकाजे लई जरूरी है कि ओनू 5 लीटर मार किन्ने पूरे 5 जेड़ा बंदा परेशान है ओनू आख डुब के मारी हो जे पीर नाल उते मर जा चंगा हौली हौली बोलो ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰੇ ਬਰਕਤ ਲਈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ 5 ਲੀਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਅਗਲੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੋਣ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ओ पीर तो ओवे जड़ा के मैं मुस्तफा दी इज्जत ते अजमत ते दीन नु बचाना है मैं नस्ल लई नहीं मैं नबी दे दीन लई आ ओए बाबे नु की पता साडे घर की हो रही है कब्रिस्तान की हो रही है आंदे नहीं पता मैं आके इयो गल मैं दसना चाहना तेरा पियो हो रे हसनैन दा नाना हो रे महमूद गाजी मेरे उस्ताद देवबंद दे नामी ग्रामी स्कॉलर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी दा उस्ताद साबिक वजीर साबिक जज इस्लामी नजरियाती कौंसल दा मेंबर डॉक्टर महमूद गाजी उस तो लैके बड़े उलमा तक हर एक ने किताब च लिखिया 555 हिजरी दा जमाना नूरुद्दीन जंगी दा दौर दो मछंदर मूजी दुश्मना ने दीन दुश्मना ने नबी हुजूर दे नामूस ते हमला करन वाले सुरंग खुट के हुजूर दी कबर मुबारक तक पहुंच गए मुल्ला तेरे बाबे नु नहीं पता की पे आउंदा है मेरे नबी ने नूरुद्दीन जंगी नु फरमाया तू सुत्ता है इत्थे मूजी मैनू तकलीफ पे दें दिन गैरतमंद बंदा सुभान अल्लाह आख सकदा बाकी नूरुद्दीन जंगी उठया 16 बंदियां नु नाल लिया काफला लेके मदीने पहुंचया ऐलान कीता लोगो खबरदार फलाने दिन किसे घर रोटी न पके मैं मिलाद मनाना ते लंगर पकाना है बीमार बंदा सुभान अल्लाह बिल्कुल ना आखे अंदर ऐलान हो गया लंगर पक गया मिलाद दा सारे मदीने दे लोग आ गए उन्हें आख्या नूरुद्दीन जंगी जदो नबी आख्या दो कुत्ते मेरी जात ते हमला पे कर दिन जंगिया ने मैं उठ के बैठा मैं हजूर कुत्तिया नु किवें पछाण सा नबी ने फोटो दिखा दिते इस तो हौली भी आखो ते कोई हर्ज नहीं आंदे ने मैं मदीने पहुंच गया मैं ज़ियाफ़त की थी मिलाद दाए तमाम होया सारे कट्ठे आ गए सारे आ गए मैं जनाबे वाला बुआ ते खड़ा हो गया रोटी खा दीजे जी तकलीफ ता नहीं जी कोई नहीं सारे आयो जी आया आंदा एक एक नु मैं रवाना कीता ते जदों मजमा गया टुर मैं अपने मुशीरा नु आख्या कुत्ते ता नहीं आए उन्हां का टाइटल बदल मिलाद च कुत्तियां दा किया कम हौली बोल मैं कह लो मैं कह फिर कोई बात नहीं फलाने दिन मुड़ मिला दो सी खबरदार कोई रोटी ना पकावे आंदा मुड़ जो ऐलान कीता सारे आ गए मैं बूहे च खड़ा हो गया मैं कह रोटी रज के खा दीजिए जी तकलीफ तो नहीं उन्हें कह जी नहीं मैं कह यार मुशीरा नु यार कुत्ते तो नहीं है उन्हें कह मिला दे च कुत्ते
उस आख्या मुड़ बंदे दसो कोई बंदा रह तो नहीं गया। एक बंदा बोलिया विचू माड़तड़ू बंदा, उन्हें आख्या कोई होर तो नहीं रहा, दो शरीफ आदमी हैं अपनी पकांदे ने ते अपनी खांदे। अपड़ गए हो, दो शरीफ आदमी हैं अपनी पकांदे ने ते गुंगा बंदा ना बोले सुभान अल्लाह। जे किसी अल खुरा टुर गया तो ओदी मजबूरी है, बाकी तो बोलो। अपनी पकाने ते अपनी खाने के, अच्छा मैनू लै चलो उन्हां कोल। जो गए ते हुजरे च बैठे, एक गल लिखी है डॉक्टर महमूद गाजी महाजरा ते सीरत, ओनू बयान करके आंदे ने जो गए हुजरे च दो बैठे, गुंगे नू बिलकुल माफी, घर जाके आखे जिन्हू शर्म आवे घर जाके सुभान अल्लाह आखे, जिन्हें सुनिया भाई सुभान अल्लाह नाल बंदा मरदा है ओ मुड्ढू न बोले। आंदा वेख्या तस्बीह पे करन ते इंज जनाब हल्लन चुल्लन पे, फरमाया की पे कर दे हो सक, अल्लाह अल्लाह हौली बोल। आप फरमाया बंदे दे पुत्रो सत्ती दसो सके जनाब, असो किसी नु कुछ नहीं आंदे, उन्हें कहते तो रोटी क्यों खावन नहीं आए, उस अपनी पकाने अपनी खाने। आप फरमाया इन्हें पाओ लमिया, मना क्या नहीं, हम कुछ न कौम बड़ी दूर से आई है, हौली बोल सकते हो। आपने फरमाया लम्या पाके कोटे ना मूजिया नू, जदो लम्या पाके फरमाया मारन लगे उन्हें क्या मुसल्ला चुको, जिदे ते बैठे हो मुसल्ला चुकिया ते तल्यों सुरंग। आदे ने डॉक्टर महमूद गाजी साहब ने लिखी है, आंदे सारा दिन ओ जनाब जन्नतुल बकीए च तस्बीहां कर दिन ते लोगां नू दीन दी गल दस दिन ते रात नू सुरंग खुट के जनाब वाला मिट्टी को उस कब्रिस्तान जाके सुटदे ने। मैं आख्या कमले आ तेरे बाबे नू नहीं पता कब्रिस्तान की पे, नबी नू पता है गैरतमंद बंदे नू सितला भी दित्ती ने दस्या ने मूजी कौन। अच्छा ए दसो, चलो बाबे नू तो पता हो, ए तो नहीं पता मैं जो घर च भूखा, मेरा दादे नू कबर च पता लग सी, मैं कवड के मरनी, अपने दादे नू हुजूर दे नाल मनसूब ना कर। मौलाना हुसैन अहमद मदनी देवबंदी ने गल लिखी है ते कड़ कड़ाके दिते ना अपने आंदे, हुसैन मदनी देवबंदी आलम साहब ने गल लिखी है, वो बयान करके आंदे असां गए मदीने ते असां अपने कमरे च बैठे आसे ते एक मेरे साथी आख्या मैं तो दही खानी नहीं खट्टी है। हौली बोल सकदे हो। हुसैन अहमद मदनी टांडवी देवबंदी आलम ने लिखिया, जेड़े सारे उलमा दे उस्ताद ने आंदे मेरे सज्जना क्या दही खट्टी है मैं नहीं खानी, आंदे नु थाई बैठे बैठे उस जू आख्या ते सरकार मैनू फरमाया हुसैन अहमद इन आख निकल जावे मेरे मदीने दी दही नु खट्टी आंदा था। सुभान अल्लाह मेरा नबी जिंदा सी, जिंदा जिंदा रवेगा। इस अकीदे ते आओ, अपने आप नु पुख्ता ते पक्का कर लो। जिस कौम दा नबी मर जाए वो कौम बचदियां नहीं। ओ खुदा दी इज्जत दी कसम है कमले आ, अज जेड़े जुल्म ते सितम पे होंदे ना, दुनिया अज भी परेशान नहीं पई होंदी, इसके बावजूद मदीने वाले दा करम ते है। एहसानुद्दीन शुजाबादी देवबंदी आलम ने लिखिया, उन्हें आख्या अज भी अजाब आंदे जमीन ते, लेकिन गुंबद खजरा नु वेख के मुड़ हट जांदा है, मुड़ हट जांदा है। शराब पीवन जना करन सूद लवन मुड़ अजाब ना आवे। मुल्ला तेरा मेरा मुंह पे मार दे रब नु, तेरा मेरा मुंह है। और लोगों को जकातां लैके कोठियां बनावन वाले, और यतीमां दे नां ते खल्लां कठियां करके पराडो लवन वाले आ, और त्रै त्रै कलाशन कोफा वाले मछंदर अपने अगू पिछू टोर के ते मोड़िया ने, या अल्लाह मदद तेरे अकीदे तू सदके मैं, त्रै त्रै सौ तेरा मुहाफिज ते अल्लाह मदद सुभान अल्लाह। हौली तो बोल, ते अकीदा भी साडा चंगा नहीं, जिन्हें हुकूमत आके गनमैन रखो ते जाने कोई ना साडा मुहाफिज मदीने वाला है, त्रै त्रै सौ मुहाफिज ते मोड़। आओ खुदारा इस कौम नू बर्बाद न करो, धमाके करके कौम नू बर्बाद न करो।
आओ इस मुल्क बारूद दियां फसलां बीज के अपनी नस्ल नू बर्बाद न करो, आओ इस मुल्क ते तरस खाओ, दीन नू बदनाम करन दी कोशिश न करो। जे तुहानू मुल्क चंगा नहीं लगता तो अपनी बुआ इंदिरा गांधी दे मुल्क तुर जाओ, इत्थे ते सानू तर अमन नाल रहण दिओ। असां इह मुल्क साडे बजुर्गां बणाया ते असां रहणा है। आओ पाकिस्तान दे वासियो, रहील शरीफ दे एक एक सिपाही दे बांबेली बन के इस मुल्क दी हिफाजत करन दा हक अदा करो। पाकिस्तानी पाकिस्तान दे सिक्योरिटी इदारियां नाल मुआमलत करके इस मुल्क दे मुहाफिज बन जाओ। अपनी गली, अपने घर, अपने माहौल ते महल्ले ते नजर रखना तेरी जिम्मेदारी है। आर्मी पुलिस अपना काम करने विच मसरूफ है, वो निगहबानी कर रही है, लेकिन तेरा मेरा भी हक है अपनी गली अपने महल्ले ते वेखिए। जेड़ा नबी दा दुश्मन, जेड़ा मुल्क दा दुश्मन, जेड़ा साहबा दा दुश्मन, जेड़ा आल दा दुश्मन, जेड़ा औलिया दा दुश्मन, इंसान दा दुश्मन, धमाके बारूद ते जैकटा बनावण वाला है, उन्हूं गाजी मुमताज कादरी बन के उस मूजी ते कन ते रख, ते कुटदा कुटदा पुलिस ते आर्मी दे कोल जाके उन्हां दे बूटां दे विच सुट, उन्हां नूं आख इत्थों तक कुटना मेरी जिम्मेदारी है, अगां तुसां जाणो। इस मुल्क दी एक गली एक घर दी हिफाजत, हर एक दी हिफाजत अपने जिम्मे लाए, क्योंकि मुल्क बाकी है तो तेरी मेरी नस्ल दा मुस्तकबिल बाकी है। खुदा दी कसम है, मुल्क तेरे वडकियां बनाया है और तै बचावण दा हक अदा करना है। उंज ते मेरे रब दा करम है कि इस मुल्क नू कुछ नहीं होएगा, क्योंकि मुल्क ते जदों भी कोई औखी आती है ना, अल्लाह जरनैल गैरतमंद दे देंदा है। रगील शरीफ तैनू रब दियां रखा, जदों दा आया दहशत गर्दां दी मुड्डू नानी मार दिती है। खुदा दी कसम है दरवेश किंग जी, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, पाक फौज दे हर फौजी नू सलामत रखे, और साड़ी तुहाड़ी हिफाजत करन वाले हर सिक्योरिटी इदारे नू सलामत रखे, और अल्लाह इस मुल्क नू सलामत रखे, ये सिलसिला कायम रवे। लेकिन आओ नबी दे गुलामों, वादा करो अज तू किसी भी सुन्नी किसी मुसलमान की नमाज पंज गाना कजा नहीं होएगी। इंज नहीं, इंज नहीं, शरीफ आदमी हाथ चाओ चा, या अल्लाह जिन्हें हाथ चाहे इन्हों पक्का नमाजी बना, जिन्हें नहीं चाहे उन्होंने चा लाए, हाथ चाह के वादा करो, या अल्लाह सानू नमाजी बना दे, या अल्लाह सानू सूद तू बचा ले, या अल्लाह सानू जना दी लानत तू बचा ले, या अल्लाह सानू पड़ोसी दी धी भैन ते गंदी नजर रखने तू बचा ले, या अल्लाह सानू भैणा भरावां दे हक मारन तू बचा ले, या अल्लाह मुल्क दुश्मन अनासर दी दोस्ती तू बचा ले, दीन दुश्मनों दी यारी तू बचा ले, या अल्लाह सानू हजूर दी गुलामी जिंदा ते हजूर दे नामोस ते मौत नसीब फरमा। एक एक वादा अगला करना है अपने बाला को, एक एक बच्चे नू हुजूर दे दीन पढ़ावन लई वक्फ करन दा ऐलान कर दे। शरीफ आदमी, सिर्फ शरीफ आदमी जेड़ा चाहता उहदा पुत्र अदाकार गुलकार फनकार जेब कुतरा डाकू ना बने, दीन दा चौकीदार बने, हाथ खड़ा करके वादा कर दे। तुहाडे बजुर्गां ने अच्छे अच्छे मदारिस कायम किए, खाजा साहब के मदार ते बहुत खूबसूरत बड़ा आलीशान इदारा कायम है, अपने बच्चों नू उस रूहानी तरबीयत भेज के दीन पढ़ाओ, ताकि तेरा मेरा बच्चा बड़ा होगा, वो डीजल के परमट से गैरत वेचण वाला मुला नहीं होगा, शराब दिया बोतलों नाल धुत खारिया चक पोस्ट के मोटे मोटे मौलवी फड़े गए उन्हें विच नहीं होगा, फिर तेरा पुत्र नूरानी बनेगा, न्याजी बनेगा, मुस्तफा दे दीन तो जान देवन वाला और पाकिस्तान की सलामती तो जान देवन वाला डॉक्टर सरफराज नहीं भी बनेगा। अल्लाह सबनों सलामत ते कदम कदम ते इज्जत बरकत नसीब फरमाए। अगर किसी की दिल आजारी हुई होगा माफी चाहवागा।